कैसे आप सभी लोग, मैं शिवम आज आप सभी लोगों को लेकर के आ चुका हूँ नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 में महागुण प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शिवम आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोज़, कुछ नए प्रोजेक्ट की अपडेट्स हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। सो गाइज, महागुण के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि महागुण की काफ़ी टाइम से अनाउंसमेंट थी कि सेक्टर 12 के अंदर महागुण मजारिया 2.0 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आना है इनका, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होना है। लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग इस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, तो एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आया है कि इसको फाइनल NOC मिल चुकी है महागुण को, और अब इसका रेरा कुछ दिन में आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानेंगे महागुण के बारे में, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, क्या क्या साइजेस हैं, क्या प्राइस आने वाला है, और किस कंस्ट्रक्शन पे ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, मेट्रो स्टेशन कितने डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल कितने डिस्टेंस पे है, और स्कूल की कनेक्टिविटी क्या आपको मिल जाती है, और आपके लिए इसके अंदर बेस्ट क्या हो सकता है, पेमेंट प्लान कैसे बेस्ट हो सकता है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग में जानते हैं, तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ राजेश पायलट चौक पे, और नोएडा एक्सटेंशन का मेट्रो स्टेशन इसी राउंड अबाउट पे आना है। मेरे अपोजिट साइड में सेक्टर 10 और सेक्टर 12 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं नॉलेज पार्क 5 है, जहाँ पे ये सभी स्कूल्स और हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। तो चलिए एक बार सेक्टर 12 में महागुण प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इस लोकेशन के बारे में। ये लोकेशन अभी आपका नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 का लोकेशन आ जाता है। मेरे बैक साइड में आप सेक्टर 10 देख सकते हैं, और अभी हमें सेक्टर 12 के अंदर अगर हम बात करें यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो आपको यहाँ से दिल्ली, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के गौर चौक से आपको डायरेक्ट आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक्सटर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है। बात करें अगर हम मेट्रो स्टेशन की, तो नोएडा एक्सटेंशन का तीसरा मेट्रो स्टेशन आपको मिलता है राजेश पायलट चौक पे, जहाँ पर अभी हम सामने ही खड़े हैं। राजेश पायलट चौक से मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट आपको 300 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाला है, यानी कि इन फ्यूचर जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आना है उससे मैक्सिमम 300 मीटर की डिस्टेंस पे ये आपका प्रोजेक्ट होगा। अगर हम बात करें स्कूल्स और हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी की, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको काफ़ी सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नाम दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं डायरेक्ट एक बार प्रोजेक्ट पे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट का लोकेशन। काफ़ी बड़ी USP है इसके लोकेशन की, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर प्रोजेक्ट है, बगल में अथॉरिटी का पार्क भी आने वाला है। तो एक बार चलते हैं प्रोजेक्ट पे, फिर ब्रीफिंग में वहाँ पर बात करते हैं। लेट्स गो गाइस। स्टार्ट करते हैं सेक्टर 12 में अब एंटर करना। तो यहाँ से सेक्टर 12 की स्टार्टिंग होती है, बगल में ही आपका पेट्रोल पंप आ जाता है, तो पेट्रोल पंप के बगल से ही एंट्री होती है सेक्टर 12 की। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं फ्यूजन ग्रुप का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है यहाँ पर जो कि फ्यूजन का है। इस पर मैंने काफ़ी ब्रीफिंग में वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका डाल दूंगा। बाकी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मैं जो भी वीडियोज़ डालता रहता हूँ आप लोगों के पास उसका लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो यहीं से हम गाइज एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो है महागुण का आता है। फर्स्ट है फ्यूजन का, सेकंड प्रोजेक्ट हम महागुण का आ जाता है। तो चलते हैं एक बार महागुण के प्रोजेक्ट पर। सो ये है महागुण का साइड लोकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इकलौता यही प्रोजेक्ट है जो प्री लॉन्च में है। बाकी बगल में जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबकी लॉन्चिंग हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी फास्ट चल रहा है। मैं आ चुका हूँ महागुण के बिल्कुल प्रोजेक्ट पे, और आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे महागुण का प्लॉट है, यहीं पर महागुण का प्रोजेक्ट आना है गाइस। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है जो आपके सामने अभी, ये 7.5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल कॉर्नर साइड पे है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के दोनों ही साइड में आपको 24 मीटर वाइड रोड मिलने वाला है, और अथॉरिटी का काफ़ी बड़ा पार्क भी यहाँ पे 100 मीटर का ग्रीन पार्क डेवलप होने वाला है दूसरी साइड में। अभी पूरा खाली लैंड छूटा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर उसको अथॉरिटी डेवलप करेगी। बाकी आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में और भी डेवलपर्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है, तो एरिया बिल्कुल उस तरीके के है कि आपको यहाँ पर एक लाइन से सारे लग्जरी प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर 12 के अंदर की महागुण की पोजीशनिंग कहाँ पर है, तो महागुण के जो पोजीशन है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर ट्रेड करेगा।
आने वाले टाइम में। तो चलते हैं एक बार प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कितना बड़ा प्लॉट है और अभी क्या काम हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रेरा अभी आने वाला है। तो रेरा से पहले डेवलपर जो है अपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफिस का काम कर सकता है, तो यहाँ पर अंदर सेल्स ऑफिस का काम चल रहा है। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं। यह आपका महागुन का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट कॉर्नर होने की वजह से दोनों ही साइड से रोड से एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। सामने आप देख सकते हैं सेल्स ऑफिस का काम चल रहा है, क्योंकि रेरा कभी भी आ सकता है। तो 7.5 एकड़ में ओनली 7 टावर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इस सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी लो डेंसिटी पे ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है और एक अल्ट्रा लग्जरी बेस यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो है टोटल आपका 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटल आपको 7 टावर्स मिलने वाले हैं। अगर 7 टावर्स की प्लानिंग की बात करें तो सभी टावर्स आपस में काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, कोई भी टावर्स कंबाइंड नहीं है। इसके वजह से आपको सन की मूवमेंट और एयर की वेंटिलेशन आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे साइजेस की, तो सबसे छोटा साइज जो है आपको 1945 स्क्वायर फीट 3 BHK 3 वॉशरूम, उसके बाद 2445 स्क्वायर फीट 4 BHK 4 वॉशरूम, फिर 2525 स्क्वायर फीट और 3150 स्क्वायर फीट के, ये 4 साइजेस आपको मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है गाइस, कि यहाँ पर आपको नॉर्मल अपार्टमेंट के अंदर 11 फीट की सीलिंग हाइट, और अगर आप लग्जरी साइजेस में जाते हैं तो आपको 21 फीट की डबल हाइटेड आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ में भी यहाँ पर फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ये नोएडा एक्सटेंशन का इकलौता इस सेगमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। बात करें अगर पर फ्लोर अपार्टमेंट की, तो जो 3 BHK के जो साइजेस हैं उसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट और उसके लिए 4 आपको लिफ्ट का प्रोविज़न मिलेगा। अगर हम बात करें डबल हाइटेड अपार्टमेंट की, जो कि 2525 स्क्वायर फीट और 3150 स्क्वायर फीट में आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वहां पर आपको पर फ्लोर 2 यूनिट और उसके लिए 3 लिफ्ट्स का प्रोविज़न आपको मिल जाता है। अगर बात करें हम गाइस टावर हाइट की, तो यहां पर टोटल 28 फ्लोर का टावर हाइट होने वाला है, और अभी गाइस आपको प्राइसिंग में भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में गाइस, तो यहाँ पर अभी डेवलपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें करके दे रहा है। प्री लॉन्च में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, काफ़ी अच्छा ऑफर है, आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक कर सकते हैं। 100% लैंड पेड अप होने की वजह से गाइस यहाँ पर सभी बैंक आपको फाइनेंस करने वाले हैं, जैसे कि SBI बैंक हो गया, इंडियन हो गया, उसके बाद कैनरा बैंक हो गया, SDFC हो गया, ICICI हो गया, तो सभी बैंक यहाँ पर आपको फाइनेंस देने वाले हैं। कॉर्नर प्रोजेक्ट होने की वजह से आप इन्वेंट्री चाहे पार्क फेसिंग में चूज़ करें चाहे रोड फेसिंग में चूज़ करें, उसकी वजह से आपकी सन की मूवमेंट और एयर वेंटिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके दोनों ही साइड में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अथॉरिटी के लो राइज विलास के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी अदर प्रोजेक्ट का शैडो नहीं आने वाला है गाइज। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं महागुन के अपोजिट साइड रोड पे, और आप देख सकते हैं मेरे ही ये साइड में आपका रोड आ जाता है। ये 24 मीटर वाइड रोड है, और जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, साइड में स्ट्रीट लाइट होंगी, उसके बाद आपका ग्रीन बेल्ट रहेगा। तो ये अथॉरिटी का ग्रीन पार्क डेवलप होना है गाइज। ये 100 मीटर का ग्रीन पार्क है, जो कि प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद अथॉरिटी यहाँ पे डेवलप करती है, और साइड में आपका महागुन का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी प्यारा होने वाला है, और आप देख सकते हैं मेरे सामने ही में ही आपका मेन रोड आ जाता है। मेन रोड के जस्ट अपोजिट साइड में आपको हीरा नंदानी का डेटा सेंटर, गूगल का डेटा सेंटर आ जाता है। तो यहाँ पर IT कंपनीज आ रही हैं गाइस, स्कूल्स, हॉस्पिटल की डेवलपमेंट है, मेट्रो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। यहाँ से मैक्सिमम 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको बोराकी रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ से मैक्सिमम आपको 45 मिनट में आप इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। ये भी रोड आपका अगेन 24 मीटर वाइड रोड है, और इसी के साथ में अथॉरिटी का ग्रीन पार्क डेवलप होना है। अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं IT डेवलपमेंट और स्कूल हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी आपको नॉलेज पार्क 5 में मिल जाता है। जितना मैं इन्फॉर्मेशन हो सकता था एज पर प्रोजेक्ट को लेकर के, लोकेशन को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या क्या यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस प्लान में यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं, बाकी प्राइसिंग के लिए और विजिट के लिए, बाकी लेआउट्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है शिवम मौर्य, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के काफ़ी लेटेस्ट वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।